अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाइथन फंडामेंटल सीरीज़ के पार्ट फोर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस पार्ट में हम लूप्स डिस्कस करना जा रहे हैं। लूप्स का जैसे कि आपको पता है कि मकसद ये होता है कि कोई भी टास्क जो रिपीटेड बार बार अंजाम हो रहा है उसके लिए पाइथन में भी दूसरी लैंग्वेज का पाइथन में मुख्तलिफ लूप्स हैं, फॉर लूप्स और वाइल लूप्स हैं। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप्स, पाइथन में फॉर लूप्स का तरीका यही है कि आप पहले फॉर अ वेरिएबल लिखा, फॉर के बाद फिर रेंज प्रोवाइड करते हैं। रेंज का मकसद ये होता है कि कितने, अभी बताता हूँ क्या चीज़ें होती है। कॉलन इस्तेमाल होगा इसमें भी, और इसको प्रिंट करते हैं। ज़ीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 तक इसने प्रिंट कर दिया रेंज। जब 5 खाली आप देखें, एक ही रेंज, एक ही पैरामीटर पास करेंगे, तो उसका ये वो एंडिंग रेंज के तौर पर इस्तेमाल होता है कि 0 से स्टार्ट होगा, 4 तक चलेगा। 5 जो आखिरी जो होती है, आखिरी नंबर जो लिखा, जो रेंज लिखा था, उससे हमेशा एक कम तक ये जाता है। और आप चाहते हैं, मिसाल तौर 5 प्रिंट करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो, तो आपको यहाँ पर 6 लेना होगा, ठीक है। अच्छा, आप इसमें स्टार्टिंग रेंज भी दे सकते हैं कि आपने दे दिया 1 से लेकर 5 तक का लूप चलाओ, तो जब ये चलेगा तो ये 1 बजाय 0 से 1 से स्टार्ट होगी। आप इसको रेंज का जो फंक्शन है, ये इसका लूप से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाइथन का फंक्शन है अलग से, इसको आप लूप्स के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इस फंक्शन को लूप एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, ये मैंने वेरिएबल में ले लिया, और बजाय कि अब मैं रेंज इस्तेमाल करूँ, मैंने सिंपली वेरिएबल पास कर दिया, वो एक काम इसने अंजाम दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फॉर लूप हो गया। एक और दूसरे किस्म का लूप होता है, वो होता है वाइल लूप। अच्छा, इसको कमेंट आउट कर दें हम। वाइल लूप में ये होता है, फॉर लूप में आपने देखा कोई आपने इनिशियल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेंज होता है ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रहा होता है। फॉर लूप के लिए, वाइल लूप के लिए आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना ज़रूरी है शुरू की। तो मैंने ये किया, वाइल मैं लिखा, वाइल एक्स लेस देन 5 प्रिंट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, जीरो प्रिंट कर रहा है खाली, ये करता रहेगा क्योंकि प्रोग्राम जो है एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही। तो मैं x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, उसके लिए आप तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख दें, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है। और इसको आप इसको एक इसका मिनिमल वर्जन भी लिख सकते हैं कि आपने उसको x प्लस इक्वल टू 1, x प्लस इक्वल टू 1 लिख दिया। ये c में भी इस्तेमाल होता है, इसी PHP में भी इसी तरह का ई इंक्रीमेंट का ऑप्शन मौजूद होता है। ओके, तो ये किया, तो अब करते हैं 0 से लेकर 4 तक इसने प्रिंट कर दिया। एक इसमें कंडीशन होती है ट्रू की। लेट्स से कि मैं एक और लूप लेते हैं, वाइल ट्रू, सही है। तो इफ़ एक्स ग्रेटर देन 4 ब्रेक कर दो, प्रिंट एक्स, और अगेन मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ओके, कोई गलती की है मैंने, ठीक है, गलती की है कि मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। एक्स प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। ट्रू कंडीशन क्या होती है कि जब तक कंडीशन ट्रू है चलता रहेगा, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो मुझे जब आप ट्रू कंडीशन यूज़ करें, तो आप जब भी आप कोई ये इन्फिनिट लूप्स कहलाते हैं, जो वाइल के लूप्स जो होते हैं, इस तरह ट्रू कंडीशन होती है, फॉल होती है, उसको इनफाइनाइट लूप्स कहलाते हैं। ये चलते रहेंगे जब तक कि ये, जब तक कि आपका कंप्यूटर तबाह बर्बाद नहीं हो सकता हो जाता। तो ये आपको पे आपको एक कंडीशन, इफ़ी कंडीशन प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाएगी कि कब ब्रेक करे, कब ख़त्म हो। तो मैंने ट्रू चलता रहेगा, लेकिन फोर्स ज़्यादा जैसे ही बड़ा होगा ये ब्रेक कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एंड रिज़ल्ट जो है वो इसका वो यही होगा जो हमने पिछले लूप जो ऊपर देखे, ठीक है।
तो ये था लूप्स के, पाइथन में लूप्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं, लूप्स के और भी तरीक़े हैं जो आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कि हम उसको ऑब्जेक्ट्स में किस तरह लूपिंग इस्तेमाल होती है, आइट्रेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को, वो हम आगे देखते जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, आप उसको प्रैक्टिस करें। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है पहली दफ़ा इस चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसी अपडेट्स, जैसी मैं वीडियो अपलोड्स करूँ आपको उसको फ़ौरन आपको पता चल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।